सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें प्रूव करना है दैट 1048, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री, इन सब का प्रोडक्ट 1 होता है। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ एंगल की वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट नंबर्स, हम कहें जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे नंबर्स में नहीं है जिसमें हमने टेबल लर्न किया है। तो इन नंबर्स का प्रोडक्ट करने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ को कैसे पुटअप करेंगे? हम जानते हैं कि हमने टेबल में तो ऐसी कोई वैल्यूज़ लर्न ही नहीं की है, तो ये क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा गया है? यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जिसमें हम ये देखते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा हो जाता है। ओके, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम LHS लिख लेते हैं, और सबसे पहला काम हमें ये करना है, ऐसे एंगल्स का पेयर बनाना है जिनका सम 90 डिग्री होता है, जैसे कि 48 एंड 42, 23 एंड 67। तो 48 को 42 के साथ पेयर कर सकते हैं क्योंकि इनका सम 90 होता है, 23 को 67 के साथ पेयर कर सकते हैं। तो हम 1048 को एज इट इज़ रहने देते हैं, 1023 को भी एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन 1042 को हम कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 थीटा, अगर इसको थीटा मान लेता हूँ, तो 10 थीटा इज़ इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 42। फिर 1067 को मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 67। अब ये क्या हो जाता है, 1043, ये हो गया कॉट 90 माइनस 42 इज 48 डिग्री, कॉट 90 माइनस 67 इज कॉट 23 डिग्री। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम कॉट को 10 का रेसिप्रोकल बना देंगे। सो कॉट 48 विल बी 1 अपॉन 10 48 एंड कॉट 23 विल बी 1 अपॉन 10 23। ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 1 विच विल बी इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री। यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ ऐसी ही दी गई हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने लर्न नहीं की हैं। कॉस 38 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। हम एक कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, इन शॉर्ट हम पूरी इक्वेशन को एक ही एंगल में कन्वर्ट करेंगे, या तो 38 में या 52 में। तो हम जो 52 वाले हैं उनको उनके अल्टरनेट में चेंज कर देते हैं। सो जैसे हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे LHS लिख लेता हूँ पहले। फिर जैसे कि मैं सबको 38 में करना चाहता हूँ, तो जो 38 में उसको एज इट इज़ रहने देंगे, 52 को उसका साइन 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दिया। सो कॉस 52 इज़ साइन 90 माइनस 52, देन साइन 38 को एज इट इज़ रहने दिया, साइन 52 विल बी कॉस 90 माइनस 52। सो इट इज़ लाइक कॉस 38 साइन 90 माइनस 52 इज़ साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38, कॉस 90 माइनस 52 इज़ कॉस 38 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज़ वन एंड द सेम, दोनों टर्म सेम हो गए, कॉस 38 साइन 38 मल्टीप्लाई और साइन 38 कॉस 38 मल्टीप्लाई में, तो दोनों सेम हो गए, तो दे विल गेट कैंसल्ड बिकॉज कॉस 38 साइन 38 माइनस साइन 38 कॉस 38। सो द आंसर इज़ 0 विच इज़ इक्वल टू RHS।